सुबह सुबह उठते ही ना सबसे पहले हम आ जाते हैं बालकनी पे हवा चेक करने के लिए कि हवा कैसी चल रही है, क्योंकि अंदर जो है ना इतना गर्म होता है, उमस टाइप होता है, बाहर आ जाना थोड़ा फ्रेश फील होता है और फिर जो है ना सहरी बनाने का दिल करता है। तो फटाफट से हम आ गए थे किचन में चाय बनाने के लिए। अच्छा, हम जब आपको बाहर बालकनी का व्यू दिखाते हैं ना तो आप सोचते होंगे ये क्या ही दिखाते हैं, लेकिन वो जो फ्रेशनेस हमें फील होती है ना, काश हम वो फील करा सकते हैं आपको। इतनी प्यारी, इतनी ठंडी हवा चल रही होती है, और कभी आप भी शहरी में बाहर आए होंगे तो आपको भी ये चीज़ फील हुई होगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो अभी हो चुका है शहरी का टाइम, हम आ गए हैं छत पे। इतनी ज़्यादा नीचे गर्मी हो रही है, उतनी ही ज़्यादा अच्छा वेदर ऊपर हो रहा है। इतनी ठंडी हवा, फ्रेश हवा चल रही है। तो शहरी वहरी हम करके और ट्रेल को देकर भी आ गए हैं यहाँ पे व्लॉग की स्टार्टिंग लेने के लिए। अच्छा, रमज़ान का महीना चल रहा है ना, तो तभी 3:30 हो रहे होंगे आई थिंक। तो छत पे आने में ना अकेले डर भी नहीं लग रही, बिल्कुल डर नहीं लग रही। और अगर ऐसे नॉर्मल दिन की बात होती ना तो इतनी समय क्या 12, 10, 11, 11:30 के तक भी हम कभी अकेले ऐसे छत पे नहीं आ सकते थे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। रमज़ान में पता नहीं क्यों डर नहीं लगती है गाइस, जैसे अंदर से फीलिंग आती है कि एवरीथिंग इज ओके, कुछ नहीं है, चलो। लेकिन नॉर्मल डेज में लगती है। तो अभी चलिए चलते हैं नीचे, अभी थोड़ा टाइम है। तो हम सोच रहे हैं ना कि बैठकर व्लॉग एडिट कर लेते हैं, क्योंकि अगर इस समय हम व्लॉग एडिट कर लेते हैं ना तो हमें पोस्ट करने में आसानी होती, नहीं तो ऐसे सारा दिन काम बहुत होता है, पढ़ना भी रहता है, तो उन चीज़ों में हम फंस के रह जाते हैं। व्लॉग एडिट कर लें कि पढ़ लें। तो अभी हम व्लॉग एडिट कर लेते हैं ताकि हम पूरा दिन हो मेरे पास और हम अच्छे से व्लॉग पोस्ट कर दें, टाइम पे पोस्ट कर दें। कल का व्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि पोस्ट करने में भी ना ज़्यादा मतलब नेट की स्पीड जो है ना बहुत स्लो होती है, तो बहुत लंबा समय ले लेता है और फिर टाइम से बेटाइम हो जाता है व्लॉग। तो अभी चल के नीचे ना, नीचे सीढ़ी पे बैठ के व्लॉग एडिट करते हैं, वहाँ से भी बालकनी से ना ठंडी हवा आ रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो सुबह हो चुकी है और हम बैठ चुके हैं इस कॉर्नर पे वीडियो लेने के लिए। अभी चलते हैं बाहर, आपको बाहर का वेदर दिखाते हैं, और हमें वॉश करना है स्वेल का शूज। पहले कर देते हैं इसे बंद, ये ऐसा क्यों आ रहा है गाइस? चलो भाई बंद हो जाओ तुम लोग और चलते हैं बाहर। गाइस ये मेरा ब्लैंकेट ना अभी तक नहीं गया है ड्राई क्लीन के लिए, इधर से चलता। ये वो शूज़ था जो हमें वॉश करना था। चलिए चलते हैं बालकनी पे बाहर का वेदर देखने के लिए। और ये ख़तरनाक धूप निकली हुई थी ना। अच्छा, यहाँ पे हमें वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि पीछे म्यूज़िक पता नहीं कहाँ से कहीं तो बज रही थी और वीडियो में काफ़ी साफ़ उसकी आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए हमें वॉइस ओवर करना पड़ा यहाँ पर। और धूप जो है ना बहुत, बस इसी धूप को देखते हुए हमने डिसाइड किया था कि हम जो है ना छत पे धोने वाले तो नहीं हैं शूज़, हम जो है ना बालकनी पे ही धो लेंगे। और काफ़ी इजी लगा हमें, यहाँ पे सारी चीज़ें भी रखी हुई थी, बस यहीं पे बैठकर हम जो है ना शूज़ को अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो गाइस शूज़ हमारे धुल गए हैं, और ब्लैक था ना तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, वाइट वाले में ना आधे घंटे उसको घिसना पड़ता है। अभी से हम सोच रहे हैं यहीं रखा रहने दें या धूप में रख दें, थोड़ी देर और सोचते हैं फिर डिसाइड करते हैं कि कहाँ रखना है। तो गाइस बहुत दिनों से ना मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि हम सोच रहे थे कि डेली व्लॉग्स देखकर आप लोग हो सकता है थोड़ा सा बोर हुए हो, तो हम सोच रहे थे कि बीच में ना कुछ एक फन एलिमेंट डालते हैं, कुछ नया करते हैं। तो और उससे मेरे माइंड में ये आया है कि जैसा हमने Q&A किया था, मेरे से रिलेटेड क्वेश्चन आपने पूछा था और हमने वीडियो में आपको उसका आंसर किया था, वैसे ही हम सोच रहे थे कि एक कम्युनिटी डालते हैं पोस्ट, जहाँ पे आप आके राहत से रिलेटेड क्वेश्चन करिए, क्योंकि राहत को आप लोग व्लॉग में देख रहे हैं इतने सालों से और बहुत पसंद भी करते हैं बहुत सारे लोग, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन डालिए और फिर हम और राहत जो है ना उसका आंसर करेंगे वीडियो के बीच में या एंड में।
तो आज ये पोस्ट आएगा और आप सब वहाँ पे ना अपने हिसाब से अपने मनपसंद क्वेश्चंस राहत से रिलेटेड पूछेगा और हम सब उसका आंसर करेंगे। तो उससे जो है ना आपको भी थोड़ा चेंज लगेगा और आप भी थोड़ा इन्जॉय करेंगे वीडियो को और हमारे लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। छत पे अभी थोड़ा टाइम है तो हम जो है ना जो कपड़े मशीन में डालने वाले हैं, कपड़े देख रहे हैं, वो डाल देते हैं और फिर जाते हैं नीचे ताकि ये वॉश होता रहे। अभी ना हम चुकंदर खा रहे थे, दिख ही रहा होगा मेरे मुंह से, तो हमें आइडिया आया कि हम मोनिक को प्रैंक करते हैं। वो छत पे कपड़ा धो रही है, नीचे आती है तो हम चुकंदर को बताते हैं। इसको पहले हम पीस लेते हैं मिक्सर में। एक सेकेंड, इसका हमें ना अरे इसको ना हमने पीस लिया था, सब इसको स्क्वीज करके इसका रेड रेड सा ब्लड टाइप का पानी निकाल लेते हैं, फिर करते हैं प्रैंक मोनिक के ऊपर छोटा सा, देखते हैं सक्सेसफुल होता है कि नहीं। जैसे अभी हम मोनिक के ऊपर प्रैंक करेंगे, बस सक्सेसफुल हो जाए बड़ा मजा आएगा बस। छी सब क्या है, क्योंकि मेरा ना वाइट थोड़ा ऑफ वाइट कलर का टाइल्स है तो ये ब्लड लगेगा बिल्कुल। सबूत मिटा देते हैं पहले, सबूत को मिटा देते हैं पहले, कोने में डाल देते हैं। प्लान है कि हम मोनी से बोलेंगे कि मोनी छत पे है, छत पे हैं आप, हम आए नहीं, मतलब ऐसा कुछ बोलेंगे कि हम आ रहे हैं छत पे और यहाँ पर ब्लड गिरा देंगे, यहाँ हाथ इतना हिल रहा है, और यहीं पे लेट जाएंगे कैमरा सेट करके, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट छत से वहाँ से ही यहाँ का दिखता है, तो यहीं पे हम लेट जाएंगे लंबा लंबा। और ये मेला नहीं, मेरा ब्लड। पहले हम देख लेते हैं कैमरा कहाँ सेट करें, थोड़ा थोड़ा सा गिरा देते हैं सबूत के लिए। थोड़ा सा ब्लड हम अपने इस चीज पे तो लग ही नहीं रहा यार, बैंक मोनी पे पहले इसको हटा देते हैं। सेट करते हैं क्योंकि यहाँ से पूरा एंगल दिख रहा है। और इस पे हम ऊंचा डाल देते हैं ताकि दिखे ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मार देंगे राहत, इतनी तुम बदतमीज हो, ऐसे ही रहना। वो कैमरा वो तोबा राहत, ऐसे कौन करता है, हम गिर जाते सीढ़ी से। अभी हम चुकंदर खा रहे थे तभी हमको प्लान आया। अल्लाह तौबा तौबा, एकदम रियल लग रहा होगा ना, एकदम ब्लड लग रहा है।
मदर हो रहा था मेरा सक्सेसफुल ये आपका रिएक्शन नहीं ले पाए बस आवाज आई होगी। ऐसे नहीं करना चाहिए गाइस, किसी को भी ऐसे नहीं करना चाहिए। हम सीढ़ी से गिर सकते हैं, हम वहां से देखे ब्लड मेरा पता है। तो हम बोले कि वहां से डायरेक्ट यहाँ का दिखता है। हाँ। यही करना चाहिए हमको, पूरा हम रिकॉर्ड करें। मजा आया। और पता है क्यों हमको मेरा हाथ देखिए ऐसा लगा साथ में मेरा मर्डर हुआ है वहां का। पर ये यकीन इसलिए हुआ ना, जुहान यहाँ से गिरा था ना। हाँ। तो उसका ऐसे ही ब्लड था और हम ही थे उस वक्त एकदम सच में। फोन में तो ब्लड ही लग रहा है। फोटो खींचिए मेरी थंबनेल पे लगाने। हो गया। इससे ज्यादा ड्रामेबाजी कहीं हो सकती है और कोई लड़की हो सकती है? हमको तो नहीं लगता। बाप रे बाप, खून मेरा तब बह गया इतना ज्यादा कसम से। एकदम रियल लग रहा है राहत, कसम से हमको पूरा वही जुहान वाला याद आ गया था। क्योंकि हमको आवाज अजीब सी लगी थोड़ा, तो हम यहाँ जब ऐसे जाके ना ये ब्लड दिखा मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। हम मतलब मेरा दिमाग पे चलने लगा आप क्या करेंगे। गाइस ऐसा कभी किसी के साथ मत करिएगा आप लोग। जो कमजोर दिल का है उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। बोल रही है नानी, नानी को बुला के दिखाते हैं, नानी फौरन बेहोश हो जाएंगी। पता है कि मजाक है फिर भी बेहोश हो जाएंगी। और जो मार पड़ेगी गाली पड़ेगी इसको ना, क्योंकि तुम ड्रामेबाजी करती रहती हो ना ऐसे आवाज दे दे के। तो हम पता है हम लोगों को हम बोल रहे थे कि आप क्वेश्चंस भेजिएगा राहत से रिलेटेड, जो मतलब आप जानना चाहते हैं राहत के बारे में। हाँ, और फिर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग हाँ करेंगे। कोई तो बोल रहा था ना राहत पे प्रैंक करो, राहत पे प्रैंक करो, ये मैंने कर दिया। मेहनत, इतनी मेहनत करने के बाद राहत अब जा रही है इसकी सफाई करने का। हम चले वापस छत पे, हम धुल रहे थे कपड़ा कवर। लेकिन बहुत अच्छा प्रैंक किया राहत को, इस पे गिफ्ट मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए। कॉन्सेप्ट अच्छा था। तो गाइस फाइनली हम अपना कपड़ा उपड़ा धुल कर फ्री हो चुके हैं। रात के प्रैंक में भी हम शामिल हो चुके हैं और अभी मेरा किचन जो है ना एकदम क्लीन हो चुका है। हम आपको दिखाते हैं। तो खाना जो है ना, हमने मिक्स दाल बनाई है आज और थोड़ा सा चावल बनने के लिए रख दिया, क्योंकि शवाब खाता है वो काफ़ी लेट आता है तो उसके लिए खाना ज़रूरी होता है। और बस अभी कुछ नहीं, बैठे हैं थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि क्या ज़्यादा काम हो गया। गाइस सुहेल कानपुर गए थे तो वहाँ से लाए हैं मोहन पेड़ा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। उड़ रहा है गाइस। ये तो ये कितना परफेक्ट बना होता है, ऐसे लगता है सिक्का एक रुपए का, मतलब फोन में लग रहा है छोटा, ऐसे तो बड़ा है। राहत लो पैसा। ये पैलेट खाई हो तुम? पटना गया था खाई थी, टेस्ट करो। खाओ। अच्छा है ना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए, तब तक के लिए ना वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए नए व्लॉग का। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।